नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की ओर। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बीजू जोर्ड जोसफ दो दिवसीय अलवर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के साथ कल सभी बॉर्डर क्षेत्र में जाकर निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने शहर का निरीक्षण कर शहर में बने नाकों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर पुलिस व्यवस्था के संबंध में मीडिया से बातचीत की। एडीजी जोसफ का कहना है कि कोरोना गाइडलाइन को लेकर सरकार द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में पुलिस द्वारा लोगों से गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है। पुलिस अधिकारियों और कॉन्स्टेबल का हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने उनसे वार्ता की। उन्होंने आमजन से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए घर पर रहने और गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाया है उसको पालना इंश्योर करने के लिए जो पुलिस का व्यवस्था है उनको समीक्षा करने के लिए और इनका यहाँ का जो पुलिस अफसर्स और स्टाफ को उनका हौसला बढ़ाने के लिए मैं आया हूँ। बेसिकली ये काम तो जनता अपने आप करना चाहिए। वो जो हम तो केवल एक फैसिलिटेटिंग एक मशीनरी है, लेकिन जब जनता स्वयं इस चीज़ को समझता नहीं कि उनका भलाई के लिए सारे रेस्ट्रिक्शन किया है, जब तक ये नहीं समझेगा तो हमारा जो 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 स्टेप जो उठाया है वो पूरी तरह से सफल नहीं होगा। तो आपके माध्यम से मैं अलवर का जनता को ये बताना चाहूँगा कि आप अपने स्तर पर ही ये जो रेस्ट्रिक्शंस का पालना करने का पूरा प्रयास करें। पुलिस भी अपना काम करते रहेंगे, हमारे मिलजुला के ये प्रयास रहना चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना संक्रमण समाप्त हो जाए, स्वस्थ रहें हम। अलवर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सख्ती बरतता नजर आ रहा है। राज्य सरकार द्वारा जारी जन अनुशासन पखवाड़े की पालना करवाने में जिला प्रशासन लगा हुआ है। जिला प्रशासन ने सुबह कुछ समय तक बाजार खोलने की अनुमति दुकानदारों को दे रखी है, लेकिन निर्धारित समय के बावजूद भी बाजार में कुछ दुकानदार ग्राहकों को सामान बेचने में लगे हुए हैं। तहसीलदार व नगर परिषद की टीम ने क्षेत्र का दौरा कर एक जनरल स्टोर की दुकान को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार कोविड गाइडलाइंस की पालना करवाते हुए शिकायत मिली थी कि ऐसे ऐसे ये दुकानियां खुली हुई है और जो तय समय था उसके बावजूद भी खुली हुई है, तो सूचना पाकर ही मौके पर पहुंचे और दुकान को नियमानुसार सीज करवाया गया। पाली में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर सोजत के जैन आचार्य रघुनाथ राजकीय चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ वार्डों का निरीक्षण कर अस्पतालों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों से कोरोना मरीजों की संख्या व उनके इलाज के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से मरीजों को राहत देने की बात कही। वहीं निरीक्षण के दौरान अस्पताल की समस्याओं को लेकर पार्षद राकेश पंवार व पूर्व पार्षद मनीष सोलंकी ने कलेक्टर से अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की कमी को पूरा करने, ऑक्सीजन प्लांट व वेंटिलेटर को चालू करने, रेमडेसिविर इंजेक्शन की अधिक उपलब्धता हेतु निवेदन किया। बाली की 12वां ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने बाली विधायक, जिला प्रमुख व उपखंड अधिकारी को क्षेत्र में हो रही पेयजल समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 12वां की माताजी ढाणी के 200 परिवारों को पिछले 1.5 साल से पेयजल के लिए तरसना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि न तो उन्हें पानी का बिल दिया गया और न ही बकाया राशि का नोटिस। इस मामले में जब ग्रामीणों ने बात की तो प्रशासन ने उनका बिल बकाया होने की बात कही। ऐसे में ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से इस मामले की जाँच कर कार्यवाही करने व शीघ्र पेयजल शुरू करवाने की मांग की है। हमारा पानी की समस्या है, बाहर तो है बहुत दौड़ी मर है, जो कुबार है, जगाड़ी है, एक बार है हमारा पानी है ही, जो कोई कोई मारे रास्ते है जगह थे मदद करो हमारे पानी पहुँचा दो। हिंदू सेवा समिति फालना की ओर से क्षेत्र में कोरोना महामारी के दौरान लोगों की मृत्यु होने पर उनके शवों की सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि के लिए मोक्ष वाहिनी उपलब्ध कराई गई। मोक्ष वाहिनी अब 24 घंटे निशुल्क सेवा के लिए बाली पालिका में उपलब्ध रहेगी। उपखंड अधिकारी श्रीनिधि बीटी, बाली पालिका ईओ लजपाल सिंह व फालना पालिका ईओ सुनील बिश्नोई के नेतृत्व में यह कार्य किया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।